हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी मैंगो फिरनी, जिसके लिए मैंने ये 2 गिलास दूध लिया है, एक बड़ा मैंगो और आधा मैंगो मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लिया है। ये जो एक बड़ा मैंगो लिया था, इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। अभी 6 चम्मच मैंने चीनी ली है, 4 चम्मच चावल लिए हैं जिनको मैंने भिगो दिया था 1 घंटे पहले, 5-6 पिस्ता को बारीक बारीक काट के रखा है गार्निशिंग के लिए, और ये थोड़े से मिक्स ड्राई फ्रूट्स। फिरनी बनाने के लिए हम सबसे पहले चावल पीस लेंगे। ये पानी निकाल देते हैं, बिल्कुल बारीक भी नहीं करना हमें इसको, थोड़ा सा हल्का दरदरा ही रखेंगे। और दूध को हम पहले बॉईल होने के लिए रख देंगे। ये चावल हमारे पिस गए हैं, दूध में उबाल आ गया है, तो अब हम इसमें ये पिसे हुए चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद हम इसे लगातार चलाएंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। एक बार और उबल नहीं जाता, तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। फिरनी में उबाल आने लगा है, तो हम इसको ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अब इसमें जब फिरनी में उबाल आने लगेगा तो ड्राई फ्रूट डाल देंगे, चीनी भी डाल देंगे। चीनी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने स्वादानुसार। और इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने तक हम हल्की गैस पे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए 3-4 मिनट पकाने के बाद ये इतनी गाढ़ी हुई है। अभी हम लेकिन इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। चावल की क्वांटिटी भी आप थोड़ी सी ज़्यादा ले सकते हैं, मैंने कम लिए थे चावल। 2 गिलास दूध में 1/4 कप चावल तक ले सकते हैं। अच्छे से गाढ़ी हो गई है ये फिरनी। हम मैंने गैस बंद कर दी, अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और ये फिरनी हमारी ठंडी हो गई है, अब हम इसको सर्व करेंगे। ये आम की भी हमने प्यूरी बना ली थी। आम की प्यूरी बिल्कुल स्मूथ बनानी होती है, कोई गांठ ना रहे इसमें। ऐसे बाउल को थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए हाफ बाउल में फिरनी भर लेंगे और हाफ में मैंगो पल्प। ऐसे भी किसी भी तरह हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और ऊपर से थोड़े से मैंगो स्लाइसेस डाल देंगे इसमें, थोड़े से बारीक कटे पिस्ता से गार्निश कर देंगे इसको। और ये हम आम बाकी का सारा फिरनी में मिला लेंगे। ठंडी होने के बाद फिरनी और भी ज़्यादा ठीक हो गई है। फिरनी सर्व करने से पहले ठंडा करके इसको फ्रिज में रख दें, फिर 1 या 2 घंटे के बाद सर्व करें। ये देखिए हम इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। अगर आपको ये मैंगो फिरनी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।